नमस्कार शिक्षक साथियों, आज साला कोश टेबलेट के में फिर से आपका स्वागत है। हमें कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि हमको HM लॉगिंग में परेशानी हो रही है क्योंकि हमारे स्कूल में कोई HM नहीं है। क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे कई सारे स्कूलों में हमारे शिक्षक कर्मी साथियों द्वारा ही साला संचालन किया जा रहा है। वही हेडमास्टर है, प्रभारी है। तो आज हम आपको लॉगिंग हेडमास्टर कैसे करे वो बता रहा हूँ आपको। जरूरी नहीं है, ये वहाँ डाटा अपलोड नहीं होने के कारण हुआ क्योंकि सभी स्कूलों के एक शिक्षक को प्रभारी HM बनाया गया है, लेकिन ऐसा डाटा वहाँ अपलोड नहीं होने के कारण यहाँ पे लॉगिंग नहीं हो पा रहा है। तो उसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है शिक्षक साथियों। यहाँ पे हम आज आपको लॉगिंग हेडमास्टर बिना ये करके बताएंगे। तो चलिए देखिए, चलिए सबसे पहले को ऐसे टच करते हैं तो हमको थंब आता है ये, ठीक है। तो इस थंब को ऐसे प्रेस करिए, फिर यहाँ पे अपना उंगली का छाप रखिए, देखना फिर क्या आएगा। नॉट मैच्ड आएगा, हेडमास्टर नॉट अवेलेबल। क्योंकि हम में से कोई जो शिक्षा कर्मी साथी उसको हेडमास्टर में अगर ऐड नहीं किया गया है तो ऐसा होगा। दो तीन बार करिए, उसके बाद देखिए फिर हेडमास्टर आया। फिर एक बार और करिए, फिर ऐसे बोलेगा देखो हेडमास्टर नॉट अवेलेबल। फिर ऐसा करते हैं जब तक, और करिए जब तक यूजर आईडी ना मांग दे। देखिए तो और बोलेगा अभी ये हेडमास्टर लॉगिंग नॉट अवेलेबल बोलने के बाद देखिए दो तीन बार करते हैं, फिर क्या आता है यूजर आईडी और पासवर्ड। आपको साथियों कुछ नहीं करना है, यूजर आईडी में जो इस स्कूल के शिक्षक जिसका इस टेबलेट में नाम है, फोटो है, वो क्या करेंगे अपना शिक्षक कोड डालेंगे, शिक्षक आईडी। जैसे मैं अपना डाल रहा हूँ साथियों, देखिए 420 4, ये मैंने अपना शिक्षक कर्मचारी कोड डाल दिया है। अब नीचे पासवर्ड में आपको कुछ नहीं करना है, ये एक डिफॉल्ट पासवर्ड है, 123 डालना है। उसके बाद देखिए लॉगिन कर दीजिए। इस प्रकार हेडमास्टर लॉगिन का पेज खुल गया है। इस जो भी स्कूल टीचर स्टूडेंट लिव डाटा सिंक अटेंडेंस, इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में ये सब बता दिया हूँ और वो देख सकते हैं। आशा करता हूँ ये हेडमास्टर लॉगिंग में आपको बहुत अच्छा से समझ आया होगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगा। और एक और बात बता दूँ, ये डाटा सिंक हेडमास्टर को 2 दिन करना है, सप्ताह में बुधवार और शनिवार। अच्छे से नेट में जाइए और सिंक करिए क्योंकि यहाँ इसी में डाटा सुरक्षित रहता है जिसको हमको आगे भेजना रहता है। धन्यवाद। अगर इस बायोमेट्रिक मशीन के बारे में आपको किसी प्रकार से भी परेशानी होती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं, या हम आपके सवालों के लिए इंतज़ार करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।